हमारे वीडियोस देखने के लिए सर्च कीजिए द सोशल ट्रिगर, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही रीजन था कि मैं आप सबको फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकूं, और मैं ये वीडियो बनाते समय किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, किसी भी पार्टी के फेवर में भी नहीं हूं। हाय फ्रेंड्स, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द सोशल ट्रिगर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस पास आ रहे हैं, तो कुछ लोगों की कोशिश है, इनफैक्ट सबकी कोशिश है इलेक्शंस को जीतने की। एक तरफ कुछ लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ही बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं। अभी हाल ही की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू 3,000 करोड़ वाला इंडिया को गिफ्ट में दिया है। वो अलग बात है कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ नेहरू जी और गांधी जी का जिक्र ही नहीं किया। तो जरा ये सुनिए। सियासत के लिए हो रही है विरासत की जंग, आजादी के 66 साल बाद उन दो महान नेताओं को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर करवाया था इस देश को आजाद। भारत के वो दो महान सपूत जिन्होंने मिलकर किया इस देश का निर्माण। अब क्या आपको पता है, अगर आपको दिल्ली के सारे सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स देखने हो तो मात्र आपके 275 रुपए की टिकट लगेगी। 275 मतलब सारे मिलाकर टोटल 275 रुपए। और दूसरी तरफ अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखना है तो उसकी टिकट है 350 रुपए। अगर हम इससे सिर्फ टूरिज्म की बात करें कि इसे टूरिज्म पे बहुत फर्क पड़ेगा, तो मुझे तो लगता है कि इसे टूरिज्म पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ताजमहल जो इंडिया का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है उससे साल में सिर्फ 25 करोड़ रुपए जनरेट हो पाते हैं 8 मिलियन विजिटर्स के द्वारा। तो जरा सोचिए इसकी 3000 करोड़ की कॉस्ट कितने साल में निकल पाएगी। अप्रोक्सीमेटली अगर हम 1 मिलियन विजिटर्स पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करें इसके टिकट प्राइस से, सिर्फ और सिर्फ एंट्री टिकट प्राइस से, तो टोटल रेवेन्यू इसका निकल के आता है 35 मिलियन। अब सिर्फ 35 मिलियन पर ईयर, और जरा सोचिए ये 3000 करोड़ की कॉस्ट कितने साल में कवर हो पाएगी। मुझे तो लगता है इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब कुछ लोग ये वीडियो देखकर मुझसे जरूर पूछने वाले हैं कि भाई तूने 35 मिलियन की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ एंट्री टिकट ही क्यों जोड़ी है। तो मैंने एंट्री टिकट लगाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर सरकार का एक मोटिव यही था कि वहां पर जॉब्स ही देनी है और बिजनेसेस ही खोलने हैं, तो ये 3000 करोड़ के स्टैचू वाला आइडिया मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। अब उसकी जगह वहाँ हॉस्पिटल्स खुल सकते थे, वहां पर यूनिवर्सिटीज खुल सकती थी, स्किल सेंटर्स खुल सकते थे जिनसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, लेकिन नहीं। तो ये आइडिया मुझे कुछ खास जमा नहीं। और अगर हम बात करें कि इसकी सक्सेस होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होगा, वो है अप्रोचेबिलिटी। गलत ही है, क्योंकि हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो दुनिया के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स आईफल टावर जो है, आईफल टावर पेरिस में है, पेरिस में सेंटर में है, और बल्कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की लोकेशन अहमदाबाद में होकर अहमदाबाद से 4 घंटे दूर है और बॉम्बे से 8 घंटे दूर है। तो बताइए ये अप्रोचेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कैसे हुआ। आजकल 2014 से एक ही चीज का जिक्र हो रहा है, वो है डेवलपमेंट का। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि डेवलपमेंट की शुरुआत नेम चेंज पॉलिटिक्स से ही होती है और उसी पर जाकर खत्म हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स 2017-18 की रिपोर्ट के हिसाब से सेंटर गवर्नमेंट ने 25 जगहों के नाम चेंज का अप्रूव किया। अब ये नाम बदलने की गेम कहां से शुरुआत की गई, ये शुरुआत की गई प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाने से।
अब यू विल बी शॉक टू नो कि खाली इंडियन हिस्ट्री को ही नहीं खंगाला जा रहा है इन नामों के लिए, इन नामों पर फॉरेन इन्फ्लुएंस का भी बहुत बड़ा रोल है। 2018 जनवरी में दिल्ली के फेमस तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा रख दिया गया, हाइफा जो कि इसराइल की सिटी का नाम है। अब ये नाम इसलिए चेंज किया गया क्योंकि इसराइल के पीएम हमारे कंट्री में आए थे। अब दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में कोई मेहमान आया है और आपने उस मेहमान के सम्मान के चक्कर में अपने बच्चे का ही नाम बदल दिया। हाँ तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये नाम चेंज की लिस्ट खत्म हो गई है? नहीं नहीं, इंडियन इनलाइटनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने रिसेंटली ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करी थी जिसमें पॉलिसीज के नाम बिल्कुल चेंज थे प्रीवियस गवर्नमेंट से और प्रेजेंट गवर्नमेंट से। उन पॉलिसीज का मेन ऑब्जेक्टिव सेम था लेकिन उनके नाम बिल्कुल ही फर्क थे। अब इसी पे बातचीत करने के दौरान मेरी मुलाकात एक सोशल एक्टिविस्ट से हुई जिसका नाम है गोविंद बाली। मैंने उनके थॉट्स को इसके ऊपर जानने की कोशिश करी, तो आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते। मेरा मानना ये है कि जो बार बार नाम बदले जा रहे हैं और पुतले बनाए जा रहे हैं, ये देश की प्रगति की ओर नहीं देश की दुर्गति की ओर एक बढ़ता हुआ रास्ता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो एकता अखंडता के लिए जाना जाता है और अपने सामाजिक एकता के लिए जाना जाता है, तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी एकता भंग हो। अब विकास का तो पता नहीं पर मैंने कुछ स्टैचूज के बारे में जानने की कोशिश जरूर की है। अब इससे मुझे ये पता चला है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी सबसे ज्यादा बड़ी है, जैसा कि आप जानते ही हैं ऑलरेडी। ये देखिए इन सब स्टैचूज की कॉस्ट। चलो ये तो मान सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का एक बेस्ट स्टैचू है। अब जब तक पटेल जी को रिस्पेक्ट दिया है या किसी भी को भी रिस्पेक्ट दी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ एक और बात, अगर ये स्टैचू ट्राइबल एरियाज के हैबिटेट को हटाकर ना बना होता तो इससे अप्रोचेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये सेंटर में होता और ट्राइबल्स अपने लाइफ को इस स्टैचू के बनने के बाद डिस्ट्रक्शन से कंपेयर ना करते। अब हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है नेहरू और पटेल हमेशा साथ साथ रहते थे और लास्ट तक तो उनकी आइडियोलॉजी भी सेम हो गई। अब चूंकि महात्मा हमारे बीच नहीं है, नेहरू ही हमारे नेता हैं, बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी, अब ये बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वो उनके निर्देश का पालन करें। मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ, मैं हमेशा नेहरू के साथ रहूंगा। अब हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर है गांधी जी की असैसिनेशन का। अब वो देश के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, वो था और वो अभी भी रहेगा। हमारे दिलों में पटेल जी के लिए रिस्पेक्ट तो ऑलरेडी है, तो अगर इस स्टैचू की कॉस्ट थोड़ी सी कम होती और 3,000 करोड़ नहीं होती तो इसकी कॉस्ट को कवर करने में इतना टाइम नहीं बल्कि कम टाइम लगता। खैर बाकी इसका सक्सेस रेट तो काफी आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब उम्मीद करो कि पावर में जो भी आए उसका मेन मुद्दा इन सब चीजों से तो थोड़ा हटके हो और ये कास्ट और वोट पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं। फाइनली इंडिया इज एट नंबर 77 एट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एंड पॉल्यूशन लेवल्स आर स्टिल वेरी हाई। नमस्कार, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। आपको क्या लगता है कि 2019 में कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है या आपके हिसाब से आ सकती है और उसके पीछे रीजन क्या है।